हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करेंगे वो है पॉलीहाइड्रो एमनियोन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था ओलिगोहाइड्रो एमनियोन, और आज अपन देखेंगे कि पॉलीहाइड्रो एमनियोन कहते किसको है, इसके होने के क्या कॉज है, फीमेल के अंदर इस कंडीशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, एंड इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोन की डेफिनेशन की। तो यहां लिखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन, व्हेन अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज मोर देन 2000 ml। अब देखिएगा पॉलीहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूड का अमाउंट है वो 2000 ml से ज्यादा देखने को मिलता है। अब नॉर्मल अगर अपन अमाउंट की बात करें तो नॉर्मल अमाउंट जो है वो 8 टर्म पर एमनियोटिक फ्लूड का जो नॉर्मल अमाउंट है वो 600 to 800 ml देखने को मिलता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, बट यहाँ पर पॉलीहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन अगर जनरेट होती है तो एमनियोटिक फ्लूड का अमाउंट 2000 ml से ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिएगा जो इस 2000 ml को अपन ने मेजरमेंट किया है वो किया है अपन ने एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स के थ्रू। मीन एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू वो है 5 to 25 सेंटीमीटर। अब ये 5 to 25 सेंटीमीटर नॉर्मल वैल्यू है AFI। AFI मीन एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स, और इस इंडेक्स को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, तो इस इंडेक्स को मेजरमेंट किया जाता है यूएसजी के थ्रू। यूएसजी के थ्रू AFI का पता लगाया जाता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5 to 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है ये इंडेक्स, तो इसका मतलब है ओलिगोहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन जनरेट होगी, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है ये इंडेक्स तो इसका मीन है कि पॉलीहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन फीमेल के अंदर जनरेट होगी। अब देखिएगा यहां पर जो पॉलीहाइड्रो एमनियोन है, तो पॉलीहाइड्रो एमनियोन में AFI की वैल्यू 25 से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां लिख सकते हैं एंड AFI इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 25 सेंटीमीटर AFI, मैंने बताया एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स यूएसजी के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, नॉर्मल वैल्यू 5 to 25 है। अगर 5 से कम देखने को मिलती है तो इसका मीन है ओलिगोहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन है फीमेल के अंदर, और अगर 25 से ज्यादा है तो इसका मीन है पॉलीहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन है। अब देखिएगा इसी AFI इंडेक्स के थ्रू ही अपन इसके कैटेगरी डिवाइड करते हैं, मीन इसके टाइप्स को डिवाइड करते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं इसके टाइप्स। अगर पॉलीहाइड्रो एमनियोन की कंडीशन है तो इसको 3 कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है माइल्ड, सेकंड है मॉडरेट, एंड थर्ड इज सीवियर। अब देखिएगा AFI की वैल्यू, अगर यहां पर AFI की वैल्यू अगर 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में है, 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में अगर AFI आता है तो इसका मीन है कि ये कंडीशन माइल्ड होगी। अगर 35 सेंटीमीटर वैल्यू होती है AFI की तो इसका मीन है कंडीशन मॉडरेट है पॉलीहाइड्रो एमनियोन की, एंड सीवियर अगर कंडीशन है तो AFI की जो वैल्यू है वो 35 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगी। इज ग्रेटर देन 35 सेंटीमीटर, इट इज ए सीवियर
पॉलीहाइड्रोएमियोस कंडीशन इन द फीमेल। तो AFI की वैल्यू अगर इंक्रीज रहती है 35 से ज्यादा तो सीवियर कंडीशन है, बट सीवियर कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है। जो कॉमनली देखने को मिलता है वो माइल्ड कंडीशन देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। तो सबसे कॉमन है माइल्ड कंडीशन जिसके अंदर AFI की वैल्यू 25 से 30 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। अब देखिएगा, इसी के बेस पर अपन ने इसके टाइप्स को कैटेगराइज कर दिया। अब बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूड के का जो लेवल है वो 2000 ml से बढ़ रहा है, मीन पॉलीहाइड्रो एमनियोस की कंडीशन हो रही है, तो इसके फीमेल में होने के क्या कॉज हैं? तो अब कॉज की बात करें तो कॉज को भी अपन ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि फीटल कॉज हो सकता है, मैटरनल कॉज हो सकता है एंड प्लेसेंटल कॉज हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फीटल कॉज, कि फीटस की वजह से कैसे कैसे देखने को मिल सकता है एमनियोटिक फ्लूड का अमाउंट इंक्रीज। तो देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉज की। अब यहां लिखते हैं अपन इसके कॉज, पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कॉज क्या है। तो फर्स्ट कॉज की बात करें, फीटल कॉज, फीटस की वजह से यह कंडीशन जनरेट कैसे होगी? तो फीटल कॉज में फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहां लिखते हैं अपन एनसेफेली। एनसेफेली का मीन यहां पर होता है कि अगर फीटस, जब फीटस की ग्रोथ हो रही है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मीन ब्रेन का मेजर पोर्शन एब्सेंट देखने को मिलेगा, स्कल एब्सेंट देखने को मिलेगी, स्काल्प एब्सेंट देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एनेंसेफेली, मीन यहां पर जो ब्रेन के हेमिस्फेयर है वो एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो बनेंगे ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोज होगी मेनिंजी, एक्सपोज मेनिंजीज। अब एक्सपोज अगर मेनिंजीज रहेंगी तो इसकी वजह से इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूड का लेवल है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब एमनियोटिक फ्लूड का लेवल अगर 2000 से ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन जनरेट होगी। सेम ऐसा ही अपन बोल सकते हैं कि फीटस के अंदर अगर स्पाइना बाइफिडा है, स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है, तो स्पाइनल कॉर्ड के यहां पर भी क्या होगा, मेनिंजी एक्सपोज रहेगी और वहां से CSF का ट्रांसडक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूड का लेवल इंक्रीज होगा और ये पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन जनरेट करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एमनियोटिक फ्लूड का जो प्रोडक्शन होता है तो साथ के साथ उसका एब्जॉर्वेशन भी होता रहता है, मीन जो फीटस होता है वो उस एमनियोटिक फ्लूड को स्वेलो करता रहता है और स्वेलो करने की वजह से उसके लंग्स और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो डेवलप्ड होता है, वो मैच्योर होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो फीटस स्वेलो नहीं कर पाता, डिफिकल्टी रहती है स्वेलो करने में एमनियोटिक फ्लूड को, तो एमनियोटिक फ्लूड का लेवल इंक्रीज होता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें स्वेलोइंग की प्रॉब्लम होगी। तो क्लेफ्ट लिप, अगर क्लेफ्ट लिप है तो भी स्वेलो की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन क्लेफ्ट पैलेट, नेक्स्ट लिख सकते हैं ईसोफेजियल एट्रेसिया, ईसोफेजियल एट्रेसिया है, एंड लास्ट लिख दो यहां ड्यूडेनल एट्रेसिया। अब देखिएगा क्लेफ्ट लिप है तो भी स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी, क्लेफ्ट पैलेट है तो भी एमनियोटिक फ्लूड स्वेलो नहीं हो पाएगा, इसोफेजियल एट्रेसिया, अगर इसोफेगस की जो ल्यूमन है वो
क्या हो गई है, एट्रेसिया हो गया उसके अंदर, तो उसके अंदर एट्रेसिया होने की वजह से, एट्रेसिया का मीन है यहां पर नैरो हो जाएगी, बिल्कुल स्टेनोसिस हो जाएगा, तो जो ईसोफेगस है उससे एमनियोटिक फ्लूड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा, एंड सेम यही कंडीशन ड्यूडेनल एट्रेसिया में होगी। अगर ड्यूडेनम के अंदर स्टेनोसिस हो गया है, कॉन्ट्रेक्शन हो गया है, बिल्कुल ल्यूमन का डायमीटर कम हो गया है, तो इसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूड जो है इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका जो लेवल है वो बढ़ता ही चल जाएगा, वो इंक्रीज होगा और 2000 ml से ज्यादा हो जाएगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं डिक्रीज ADH। अगर ADH जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से पोली यूरिया की कंडीशन जनरेट होगी फीटस के अंदर, और अपन ने देखा था जो एमनियोटिक फ्लूड का प्रोडक्शन है उसका जो मेजर पार्ट है वो फीटल का यूरिन है। अब फीटल का यूरिन ज्यादा निकल रहा है तो एमनियोटिक फ्लूड भी ज्यादा होगा। तो ये तो थी फीटल कॉज। सेकंड बात कर लेते हैं अपन प्लेसेंटल कॉज की, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड प्लेसेंटल कॉज। अब देखिएगा प्लेसेंटा की वजह से एमनियोटिक फ्लूड का लेवल कैसे बढ़ेगा, तो प्लेसेंटा के अंदर अगर मान लो ट्यूमर हो जाता है और ट्यूमर होगा तो एक्सेसिव ग्रोथ होगी सेल की, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, वहां पर हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, और हाइपरप्लेजिया होगा तो सेल से जो प्लेसेंटा की सेल है वो इंक्रीज कर देंगी ट्रांसडक्शन को, और ट्रांसडक्शन अगर इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूड का लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहां पर प्लेसेंटा के अंदर मान लो कोरियोन, यहां पर लिख देता हूं मैं जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा के अंदर अगर बेनाइन ट्यूमर होगा तो उसको बोलेंगे कोरियोन जियोमा, कोरियोन जियोमा। अब कोरियोन जियोमा हुआ है, अगर कोरियोन जियोमा हुआ है प्लेसेंटा के अंदर, यहां पर लिख देते हैं पूरापन ऑफ प्लेसेंटा, अगर कोरियोन जियोमा प्लेसेंटा के अंदर हुआ है इसका मीन है बेनाइन ट्यूमर। कोरियोन जियोमा अगर प्लेसेंटा के अंदर हुआ है तो हाइपरप्लेजिया होगा प्लेसेंटा की सेल के अंदर, और हाइपरप्लेजिया होगा मीन सेल के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो ज्यादा ट्रांसडक्शन देखने को मिलेगा, और ज्यादा ट्रांसडक्शन होगा तो एमनियोटिक फ्लूड का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये तो था प्लेसेंटल कॉज। नेक्स्ट थर्ड की बात कर लें अपन मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो डायरेक्टली समझ में आता है कि मोर फीटस मोर यूरिन, तो यहां लिख देते हैं मोर फीटस मोर यूरिन। अब ज्यादा अगर फीटस होंगे तो यूरिन का भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और यूरिन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो एमनियोटिक फ्लूड का तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलेगा ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैटरनल कॉज की। यहां पर फर्स्ट देखा था अपन ने फीटल, सेकंड था प्लेसेंटल, थर्ड था मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी हो जाता है, और लास्ट अपन लिखते हैं मैटरनल कॉज। तो देखिएगा मैटरनल कॉज के अंदर फोर्थ देखते हैं मैटरनल कॉज। अब देखिएगा मैटरनल कॉज के अंदर अगर मां के अंदर डायबिटीज मेलाइटस है तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से क्या होगा, फीटल हाइपर ग्लाइसीमिया, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि माँ को क्या है डायबिटीज मेलाइटस है, और डायबिटीज मेलाइटस होने की वजह से जो मैटरनल ब्लड है उसके अंदर ज्यादा ग्लूकोज होगा, और वो ज्यादा ग्लूकोज फीटस के अंदर जाएगा, और फीटस के अंदर फीटल हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से मीन फीटस के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह होने से पोलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, और पोलीयूरिया की वजह से क्या होगा एमनियोटिक फ्लूड का लेवल इंक्रीज होगा।
अगर माँ के अंदर डायबिटीज मेलिटस है तो ऐसा होगा। सेकंड बात कर लेते हैं, अगर मैटरनल कोच के अंदर कार्डियक और रीनल, अगर मां को कार्डियक और रीनल की कोई भी डिजीज है तो इसकी वजह से प्लेसेंटल इडीमा देखने को मिलेगा। मीन प्लेसेंटा के अंदर इडीमा हो जाएगा, और प्लेसेंटा के अंदर इडीमा होगा तो इंक्रीज हो जाएगा ट्रांसडक्शन, इंक्रीज ट्रांसडक्शन, और इंक्रीज ट्रांसडक्शन होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूड का लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, ये दो कंडीशन थी जो कि मैटरनल कॉज है, जिसके अंदर फर्स्ट था डायबिटीज मेलिटस एंड सेकंड है कार्डियक और रीनल डिजीज। अब यहां पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, मीन फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन में। तो यहां लिखते हैं अपन नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। तो देखिएगा, साइन एंड सिम्टम में बात करें अपन, जो यूट्रस है उसके अंदर एमनियोटिक शेक है, और एमनियोटिक शेक के अंदर एमनियोटिक फ्लूड है। अब जब एमनियोटिक फ्लूड बढ़ेगा तो यूट्रस की हाइट गेस्टेशनल वीक के हिसाब से ज्यादा देखने को मिलेगी, तो मैटरनल डिस्निया देखने को मिलेगा यहां पर। तो लिख सकते हैं मां को डिस्निया की कंडीशन होगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर। नेक्स्ट लिख सकते हैं इसकी वजह से पाल्पिटेशन भी होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, जो एब्डोमिनल गर्थ है वो भी इंक्रीज होगी। और क्या देखने को मिल सकता है, तो लिख सकते हैं अपन वेरिको सिटी। वेरिकोसिटी का मतलब है यहां पर वेरिकोज वेन देखने को मिल सकती है, कहां पर, इन द लेग, बिकॉज ग्रेविड यूट्रस जो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो इंफीरियर वीना कावा है वो सप्रेस होगी, और लोअर वेन की जो लेग है मीन लोअर पोर्शन है वहां की वेन डायलेट हो जाएगी, उनके अंदर वेरिकोसिटी देखने को मिलेगी। तो वेरिकोज वेन हो सकता है इन द लेग। नेक्स्ट यहां लिख देते हैं अपन और क्या हो सकता है, ओडिमा इन लेग, ओडिमा देखने को मिलेगा लेग के अंदर। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन यहां पर फीटल का जो पार्ट है वो इजिली फेल्ट नहीं होंगे, तो फीटल पार्ट आर नॉट फेल्ट इजिली। साथ के साथ जो फीटल हर्ट साउंड है वो भी अस्कल्टेट नहीं होगा, वो सुनाई नहीं देगा फीटोस्कोप से, आपको यूएसजी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहां पर। तो फीटल हर्ट साउंड नॉट हियर्ड बाय फीटोस्कोप, फीटोस्कोप की हेल्प से आप जो FHS है मीन फीटल हर्ट साउंड है वो सुन नहीं पाओगे। नेक्स्ट बात कर ले तो साइज की बात करें यूट्रस के, तो ग्लोबुलर शेप का देखने को मिलेगा, तो यह लिखते हैं ग्लोबुलर शेप। ग्लोबुलर शेप का मीन है कि जो ग्लोब होता है उसकी शेप का यूट्रस देखने को मिलेगा। और यहां पर लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट कि यूट्रस की जो हाइट है वो गेस्टेशनल वीक से ज्यादा देखने को मिलेगी, मीन इंक्रीज देखने को मिलेगी, गेस्टेशनल वीक पे जितनी हाइट होनी चाहिए थी उससे ग्रेटर देखने को मिलेगी। तो ये तो थे साइन एंड सिम्टम्स की बात। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा, अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन हुई है फीमेल के अंदर तो अपन क्या क्या डायग्नोस प्रोसीजर करेंगे और इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। अब देखिएगा यहां लिखते हैं अपन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन ने देखा था कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है इसका यूएसजी, यूएसजी के थ्रू पता लगा रहे थे अपन।
और यूएसजी के थ्रू अपन ने फीटल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स भी देखी थी। तो यूएसजी के थ्रू अपन जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है मेनली इसको देखते हैं अपन कि अगर इसका लेवल 25 से ज्यादा देखने को मिलता है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन फीमेल के अंदर है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि रीनल की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो अपन करवा सकते हैं ब्लड टेस्ट, आरएफटी, फीमेल को ये भी करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर अपन ग्लूकोज का लेवल भी देख लेंगे जिससे डायबिटीज तो नहीं है फीमेल को पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज अगर फीटस के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए अपन एक प्रोसीजर करते हैं यहाँ पर। अब उसके लिए जो प्रोसीजर जो डायग्नोसिस किया जाता है उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस के थ्रू कोई भी कंजेनाइटल एनोमलीज है उसका पता लगा लेते हैं अपन। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोई भी कंजेनाइटल अगर एनोमलीज प्रेजेंट है तो एमनियोसेंटेसिस कर लेंगे, ब्लड टेस्ट ग्लूकोज का लेवल पता लगा लेंगे, किडनी की अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आरएफटी करवा लेंगे, साथ के साथ यूएसजी से अपन कंफर्म कर लेंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 25 से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन होगी। अब देखिएगा यहाँ लिखते हैं अपन इसको मैनेजमेंट में कि कैसे मैनेज की जाएगी ये कंडीशन अगर आपको पता चल जाता है कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस है। तो देखिएगा यहाँ पर अपन इसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। अगर माइल्ड है, अगर बहुत ही माइल्ड कंडीशन है पॉलीहाइड्रोएमनियोस की तो यहां पर अपन फीमेल को एक्स्ट्रा बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे और डिक्रीज करवा देंगे उसकी एक्टिविटी, डिक्रीज एक्टिविटी और एक्स्ट्रा बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अब देखिएगा कंडीशन अगर माइल्ड है बट माइल्ड के साथ क्या हो रहा है मैटरनल, सेकेंड लिख देते हैं यहां मैटरनल डिस्ट्रेस। पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है तो माइल्ड बट साथ के साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर मैटरनल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, मां जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में आ रही है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे अगर इज लेस देन 37 वीक से कम की अगर प्रेगनेंसी है तो यहां पर एमनियोसेंटेसिस किया जाएगा और एमनियोसेंटेसिस क्यों कर रहे हैं अपन, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू अपन एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर एस्पायरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और ये कितना निकाल सकते हैं तो यहां लिखते हैं अपन 500 ml पर 6 आवर, 6 घंटे में अपन को 500 ml एमनियोसेंटेसिस के थ्रू अगर 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेते हैं और इस तरीके से एक्स्ट्रा बेड रेस्ट तो देना ही है और इस प्रेगनेंसी को अपन कहां तक पहुंचाएंगे 8 टर्म तक, टिल 8 टर्म और अपन को कंटिन्यू टर्म तक इस प्रेगनेंसी को पहुंचाना है। अगर मान लो प्रेगनेंसी इसी कंडीशन में 37 वीक से ज्यादा की है तो 37 वीक से अगर ज्यादा की है तो यहां पर अपन ऑक्सीटॉक्सिन देंगे फीमेल को और AROM करवाएंगे, मीन आर्टिफिशियल रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन को और आर्टिफिशियल जो रप्चर करेंगे वो कंट्रोल मैनर में करेंगे, कंट्रोल मैनर का मतलब है यहां पर कि अपन वहां पर डायरेक्टली उसको कट नहीं कर देंगे एमनियोटिक मेम्ब्रेन को, यहां पर निल से अपन कुछ हॉल करेंगे और धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर आएगा वो, क्योंकि हॉल कर दोगे तो एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे करके बाहर आएगा और रप्चर एकदम से मेम्ब्रेन नहीं होगी। सडनली अगर रप्चर कर देते हो आप मेम्ब्रेन को
तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूड बाहर आएगा और एकदम से यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है और जो प्लेसेंटा डेसीडुआ से कनेक्ट है वो एब्रप्ट हो सकता है, मीन एब्रप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन देखने को मिल सकती है जिससे फीमेल के अंदर एपीएच कॉज हो सकता है। तो यहां पर अपन को कंट्रोल मैनर के अंदर एआरओएम करना है। अगर मान लो कि कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, फीटस के अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज अगर प्रेजेंट है तो अपन को क्या करना है, यहां पर टर्मिनेशन करवा देना है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है अगर कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज की कंडीशन फीटस के अंदर है तो। उसको आगे तक अपन को कंटिन्यू नहीं रखना है प्रेगनेंसी को। तो ये तो थी ओवरऑल मैनेजमेंट की बात। पॉलीहाइड्रोएमनियोस ज्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं था, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस भी लॉन्ग टॉपिक नहीं है, बट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से कॉम्पिटिशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो यही है। साथ के साथ अपन ने एमनियोटिक फ्रूट देखा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या होता है वो भी देख लिया एक लास्ट क्लास में, और आज अपन ने पढ़ लिया पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अगर किसी से भी एमनियोटिक फ्लूड के कोई भी कंडीशन, कोई भी एबनॉर्मलिटी से आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।